माय यूट्यूब फैमिली जी माता दी राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो सुबह के मेरे पूरे काम ख़त्म हो गए थे, मैं आ गई थी पूजा करने, नहा के जस्ट पूजा करने चले आए थे, क्योंकि इस टाइम ना तो बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना रहता है तो थोड़ा लेट हो जाता है, और बिंदी भी मेरा छूट गया, देख सकते हो आप सब, ध्यान नहीं दिए थे। बाद में जब वीडियो मतलब देख रहे थे, रिकॉर्ड वॉइस ओवर कर रहे थे, तब देखे कि बिंदी नहीं लगा था। बिंदी नहीं लगा रहा था ना, फेस अच्छा थोड़ा भी नहीं लगता है, क्योंकि हमेशा बिंदी लगा के रखते हैं ना तो कभी भी निकल जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर मैं लड्डू गोपाल को, पार्वती मैया को नहलाने जा रही थी, तो मैं उनको नहला दूँगी। और अभी तो इस टाइम पर दीदी के लड्डू गोपाल भी यहीं हैं, तो दोनों लड्डू गोपाल रहते हैं, तो दोनों लोग को मैं नहलाऊँगी और पार्वती मैया को भी नहलाऊँगी। तो इस टाइम ना मेरे यहाँ जो तुलसी मैया थी वो बिल्कुल सूख गई हैं, और दूसरी तुलसी मैया लाना है, तो इसीलिए मतलब फूल डाल के नहला देते हैं, नहीं तो तुलसी मतलब का पत्ता डाल के ही ऐसा मतलब लड्डू गोपाल को भोग भी लगाया जाता है ऐसा है। लेकिन मेरे यहाँ इस टाइम तुलसी का पत्ता नहीं मिलता है, मतलब ऐसे सूख गया था, तो अभी इस टाइम पे नहीं है तुलसी मैया, तो लाना है तुलसी मैया को। ऐसे कभी कभी हो जाता है ना कि वैसे तो हमेशा रहती हैं, कभी भी नहीं सूखती हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्या माता रानी रूठ गई या कुछ, बट सूख गई थी। तो इस टाइम पे बिना तुलसी के पत्ते का ही मतलब लड्डू गोपाल का भोग लगाना पड़ता है। और ये है मेरी पार्वती मैया, इनको नहला दिए हैं, अभी सिंदूर बाद में लगाएंगे, पहले पूजा करेंगे तो फिर लड्डू गोपाल को नहला लेंगे। और फिर इस टाइम तो मॉर्निंग में बहुत जल्दी नहीं रहता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना नहीं रहता, तो आराम से सिर्फ पूजा ही करना रहता है। पूजा पूरा ख़त्म कर लो फिर तो चाय नाश्ता खाना, ये थोड़ा लेट भी हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चों को जाना रहता था ना तो मतलब बहुत जल्दी रहती थी। और ये देखो मेरे दोनों लड्डू गोपाल रेडी हो गए हैं, और दोनों लोग बैठे हैं आराम से, पूजा भी हो गया है, और अभी मैं आरती करने जा रही थी। तो देख सकते हो मेरे लड्डू गोपाल को, माता रानी को देख सकते हो आप सब, सभी भगवान जी बैठे हैं आराम से। तो मेरा पूजा हो गया था कंप्लीट, अब मैं चल रही हूँ किचन में। तो मैं आज बनाऊंगी करेले का भरवा। तो किन किन लोगों को करेले का भरवा पसंद है वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ मम्मी ये कट आम कट करके रख के चली गई थी, तो वही मैं डाल के मतलब तो भूल लिए थे, अब मैं इसका इसको पीस लूँगी अच्छे से। और आप लोग ऐसे ब्लॉग में बनी रहिएगा, और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि ब्लॉग मेरा कैसा लगता है आप लोगों को। धनिया भी पीस लिए थे, और जो मसाले थे वो सब पूरा पीस लिए थे, खटाई भी उसी में पीस लिए थे आम का। और मैं अब मसाले में करेले में भर लूँगी, और सब चीज़ एक साइड कट करके रख लिए थे, अभी बनाए नहीं थे, एक साइड दाल रख दिए थे, एक साइड बन रहा था चावल, तो इसीलिए सब्जी नहीं बनाए थे। सब्जी और करेले का भरवा साथ साथ में बना लेंगे। और वैसे सुबह सुबह ना तो इस टाइम जल्दी नहीं रहता है तो प्रॉब्लम नहीं है, और देख सकते हो आप सब करेले का भरवा बन रहा है। और किन किन लोगों को पसंद है वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो करेले का भरवा भर लिए थे हम पूरा, और अब हम तलेंगे इसे, तल के फिर इसी का बनाएंगे कढ़ी। तो इसकी कढ़ी किन किन लोगों को पसंद है? मेरे यहाँ तो ना करेले के कढ़ी अक्सर, अगर करेले का भरवा बनाते हैं ना तो तलते हैं तो उसी का कढ़ी भी बना लेते हैं, तो करेले का भरवा बन रहा था। और फिर आज था मंगलवार, तो अभी HB को जाना भी था, वहाँ आज है भंडारा, आज इस टाइम पर तो मंगलवार को भंडारा होता है। जिस दिन मैं मार्केट गई थी उस दिन बताए ही थे आप लोगों को, जो मेरा ब्लॉग देखते होंगे उन लोगों को पता होगा, तो उस दिन सभी सामान लेके चले आए थे HP, तो आज है भंडारा तो HP को जाना था, तो मतलब थोड़ा लेट, वैसे वो बोल रहे थे खाना खा के नहीं जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा लेट करके बनाए थे, क्योंकि खाना ठंडा हो जाता है और इस टाइम पे ना धूप भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो जितना जल्दी बन जाए उतना ठीक रहता है, लेकिन ठंडा हो जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम होती है। और फिर यहाँ HP पहुँच गए थे भंडारे पे, तो
बालाजी सरकार सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।